गुड मॉर्निंग क्लास सेवन. एज यू ऑल नो वी आर डूइंग अवर चैप्टर द दिल्ली सुल्तान्स. लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया कि दिल्ली सल्तनत का एक्सपेंशन करना, उसको बढ़ाना क्यों नेसेसरी हो गया था. तो आज हम इस वीडियो में ये देखेंगे कि एक्सपेंशंस दिल्ली सुल्तान या दिल्ली सुल्तान्स ने कैसे किया. लेट्स सी. जो ये जो एक्सपेंशन हुआ ये टू फ्रंटियर्स पे हुआ. पहला था इंटरनल और दूसरा था एक्सटर्नल फ्रंटियर. अब ये इंटरनल और एक्सटर्नल फ्रंटियर क्या है इस वीडियो में हम वही जानेंगे. लेट्स सी. इंटरनल फ्रंटियर क्या था. अंडर दिस सल्तनत एम्ड एट कंसोलिडेटिंग द हिंटरलैंड्स ऑफ द गैरिसन टाउन्स. लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि गैरिसन टाउन्स क्या होते हैं और हिंटरलैंड क्या होते हैं. तो अब क्या था, जैसे कि एक गैरिसन टाउन यहाँ पे था दिल्ली सुल्तान्स का और एक गैरिसन टाउन यहाँ पे था, इनके जो बीच के जो हिंटरलैंड्स थे उनमें कैसे कंसोलिडेट किया गया. इंटरनल कंसोलिडेट इसी को कहा गया, ठीक है, इस बीच के एरिए को. लेट्स सी. तो इंटरनल फ्रंटियर पे पहला पॉइंट क्या किया गया, फॉरेस्ट वर क्लियर्ड इन गंगा यमुना द्वाब. यानी कि गंगा यमुना द्वाब के जितने भी फॉरेस्ट थे. गंगा यमुना द्वाब क्या है, एक रिवर गंगा है और एक यमुना, इन दोनों के बीच का जो एरिया है वहाँ पे जितने भी फॉरेस्ट थे उनको क्या कर दिया गया, वहाँ से क्लियर कर दिया गया. क्लियर कर दिया गया क्योंकि वहाँ पे कम्युनिकेशन, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि कम्युनिकेशन में दिक्कत होती थी, अगर इन फॉरेस्ट को क्लियर कर दिया जाए, एक तो दिल्ली सुल्तान जो दिल्ली सल्तनत थी, दिल्ली के सुल्तान से वो अपने एक गैरिसन टाउन से दूसरे गैरिसन टाउन में कम्युनिकेट इजीली कर पाते, और दूसरा पॉइंट क्या था, दूसरा उनको ये बेनिफिट हो रहा था कि अगर वो इन फॉरेस्ट को क्लियर कर पाते तो इन हिंटरलैंड्स में भी वो क्या कर लेते, कब्जा कर लेते, ठीक है. और सेकंड पॉइंट क्या है, हंटर गैदरर्स एंड पेस्ट्रोलिट्स एक्सपेल्ड फ्रॉम दर हैबिटेट. अब जो हंटर और गैदर्स वहाँ पे रहते थे उनको भी वहाँ से क्या कर दिया गया, अब उनके फॉरेस्ट, ये जो नॉमेड्स थे, फॉरेस्ट जब क्लियर कर दिए गए तो इनको भी वहाँ से क्या कर दिया गया, फॉरेस्ट से भगा दिया गया. तो ये अब सारा कब्जा किनके पास हो गया, दिल्ली सुल्तान्स के पास. अब इसके और भी बेनिफिट हुए. अब क्या हुआ, जब फॉरेस्ट क्लियर हो गए तो वो लैंड उन्होंने क्या कर दिया, जितना भी लैंड था वो किनको दे दिया, वो पीजेंट्स को दे दिया, यानी कि किसानों को दे दिया. अब क्या करने लग गए, जो पीजेंट्स थे वहाँ पे खेती करने लग गए, खेती से अनाज होने लगा, अनाज अब किंग के सोल्जर्स को मिलने लगा और इससे रेवेन्यू भी कलेक्ट होता था, वो भी किसके पास जा रहा था, दिल्ली सुल्तान्स के पास. तो इसके काफ़ी बेनिफिट्स हुए और इससे क्या हुआ, एग्रीकल्चर को भी एनकरेजमेंट मिली, यानी कि एग्रीकल्चर भी इंक्रीज हुआ. ये था हमारा इंटरनल फ्रंटियर, यानी कि इंटरनल फ्रंटियर के अंदर जो एक गैरिसन टाउन से दूसरे गैरिसन टाउन के बीच के जो हिंटरलैंड्स थे उन पर कब्जा किया गया. अब दूसरा है एक्सटर्नल फ्रंटियर, लैंड अपार्ट फ्रॉम द सल्तनत विच वॉज नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ दिल्ली सुल्तान्स. यानी कि अब ऐसा लैंड जो दिल्ली सुल्तान्स के कंट्रोल में नहीं था, अब वो वाला देखेंगे बाहर का. यहाँ पे तो दिल्ली सुल्तान्स ने कब्जा कर दिया, लेकिन जो साउथर्न पार्ट था, नॉर्दर्न पार्ट में तो सारे में कब्जा कर लिया, लेकिन अब जो साउथर्न पार्ट था इंडिया का उसमें कब्जा करना भी रहता था. तो एक्सटर्नल पार्ट में जो साउथर्न एरिया था उस पर कब्जा किया गया. और ये किसके कंपेन में हुआ, किसके कंपेनियन में हुआ, ये हुआ अलाउद्दीन खिलजी के. यानी कि अलाउद्दीन खिलजी ने साउथर्न पार्ट में कब्जा करना शुरू कर दिया. उसने क्या किया, मिलिट्री का एक्सपेंडिशन साउथ इंडिया से करना शुरू कर दिया. और क्या किया, स्लेवरी एंड स्लेव्स कैप्चर. साउथ में जितने भी स्लेव्स थे या दूसरे राजाओं के स्लेव्स थे उनको कैप्चर करना शुरू कर दिया, यानी कि उनको छीनना शुरू कर दिया, ठीक है, और सारी लूट मार मचा दी. और
ये कब तक होता रहा, इसको एंड किसने करा, मोहम्मद तुगलक भी आगे तक इस चीज़ को लेते गए जब तक साउथर्न पार्ट में कब्जा नहीं हो गया और लार्ज पार्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट कवर्ड। और ऐसे करते करते इन्होंने जितने भी सब कॉन्टिनेंट्स थे उनको कवर्ड कर दिया, उनको कंसोलिडेट कर दिया। द दिल्ली सुल्तान या दिल्ली सल्तनत एक्सपेंडेड ग्रेजुअली एंड वास्टली। अब आप ये देख रहे हो दिल्ली सुल्तान्स ने कहाँ तक कब्जा कर लिया, ये सारी अब क्या बन चुकी है, दिल्ली सल्तनत। 150 ईयर्स ऑफ बिगनिंग यानी कि 150 ईयर तक उन्होंने दिल्ली सुल्तान्स ने देखिए इंडिया में कहाँ तक अपना कब्जा कर लिया था। आज की क्लास यहीं तक, नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जो होगा द मस्जिद। थैंक यू क्लास।